सच्चाई की फिल्म बन रही है और सच्चाई का काम हो रहा है। और जो हम चाहते हैं, जैसे महमूद भाई और सतीश कुमार जी जो फिल्म का अंगाव बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे मामा भी खड़े हैं बगल में, ये एसपी का पार्ट देते, मैंने कहा अब एसपी को छोड़ दो, मेरे गैंग में भर्ती हो जाता। महबूब भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की फिल्म है? और बायोपिक है मलखान जी की, ये एक इनके ऊपर एक किताब लिखी गई जिन्होंने बेस्टसेलर किताब रही है, तो इनके ज़िंदगी पे हम बायोपिक बनाने का फैसला किया है। जो दो घंटे में हमने जो ये 15 साल की जर्नी गुजारे है और एक मकसद के साथ गुजारे है, उसको हम पूरे दर्शाने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमेशा से लेकर आते हैं, इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद क्या है? डेफिनेटली ये भी जो कंटेंट की अगर बात करें तो ये भी एक कंटेंट ऐसा है कि हमने सुना था कि सतयुग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के डाकू से संत बन गए थे, और ये एक संत है जो पूरी जीवन इन्होंने एक राम मंदिर में गुजारा था, राम का गुण गाते हुए गुजारा था, और लोगों ने इन्हें मजबूर कर दिया बागी बनने पर। तो ये हमें एक ऐतिहासिक लगा कि इन्होंने जिस मकसद से अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिस मंदिर के वजह से पूरी ज़िंदगी गुजारे इन्होंने, उसको इन्होंने आखिर में जब इनको दिया गया तो इन्होंने समर्पण कर दिया। सतीश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा दिन आ गया कि अच्छे दिन आ गए क्या, मतलब इस प्रकार की अच्छी बात तो तब होगी जब इनकी सच्चाई और उनके दिखाई जाएगी और माना जाएगा। जो महमूद भाई ने बोला कि सतयुग में वो था कि भाई एक जो डाकू है उनको संत बनाया गया, यहाँ पे कहानी है एक संत को हथियार उठाने पर मजबूर करना, राम जानकी मंदिर में भजन गाने वाले और पंच होने वाले दबंग आदमी हुए जो उठा के इनको मजबूर करा, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, परिवार को छोड़ के कौन जाना चाहेगा, जंगलों में भटकना चाहेगा, कुछ आएगा ऐसा अपने मलखले मलगंदों को छोड़ के कंकर भीड़ों में जाना पीड़े। मकसद यही है कि हर आदमी उठाना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारा सरकार को उनको सबको यही संदेश है कि इतना जुल्म ना किया जाए, न्याय मिलना चाहिए, और इनकी जो अन्याय इनके साथ हुए हैं वो दिखाने की कोशिश है कि भाई इतना जुल्म ना करो कि हर कोई हथियार उठा के भीड़ में भागे। हम मलखान जी।